आज श्रावण मास का चौथा सोमवार होने के कारण सुबह से ही भक्त बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे थे। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के कारण भक्त बाबा की भस्म आरती में शामिल नहीं हो सके। आज तड़के 2:30 बजे बाबा महाकाल के पट खोले गए और पंचामृत अभिषेक के बाद भस्म आरती शुरू हुई। हालांकि यहां तय संख्या में ही पंडित पुजारी मौजूद थे। मान्यता है कि श्रावण माह में शिव आराधना करने से सभी कष्टों से तुरंत मुक्ति मिलती है। श्रावण के चौथे सोमवार को महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। भस्म आरती के पहले बाबा को जल से नहलाकर दूध, दही, घी, शहद व फलों के रसों से महापंचामृत अभिषेक किया। अभिषेक के बाद भांग और चंदन से भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया और बाबा को भस्म चढ़ाई गई। भस्मीभूत होने के बाद भगवान को वस्त्र धारण कराए गए और फिर झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े व शंखनाद के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। देखिए, भगवान शिव के लिए जहाँ तक बात आती है तो भगवान शिव की सबसे विशिष्ट पूजा जो होती है वो रुद्राभिषेक होती है, और उसी क्रम में किसी भी देवालय, किसी भी शिवालय में अगर हम जाते हैं तो वहाँ जो भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है तो उससे पूर्व जो एक हमारी षोडशोपचार पूजन पद्धति है उसके अनुसार पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, उसके पश्चात जलधारा से अभिषेक किया जाता है और फिर उनका श्रृंगार किया जाता है, उन्हें सजाया जाता है भांग इत्यादि से, बिलपत्र इत्यादि से, जैसी सामग्री उपलब्ध होती है उस तरीके से उनको सजाया जाता है, और उसके पश्चात में जैसे कि यहाँ भस्म लेपन की परंपरा है, भस्म स्नान की परंपरा है, तो वो भी एक क्रम रहता है, और इससे अनेकानेक तरह की हमारी जीवन की जो विपत्तियाँ हैं उनका क्षय होता है। देवादिदेव महादेव तो उनके नाम के आगे ही महादेव लगा है, हम भोला शंकर उसे कहते उन्हें कहते हैं, भोले भंडारी हैं, तो उनको तो खाली अगर कोई बिलपत्र भी अर्पित कर देता है, अगर कोई एक लोटा जल भी अर्पित कर देता है तो हमारे धर्मग्रंथों में ऐसी चर्चा आती है कि उसके जीवन का कल्याण हो जाया करता है। तो निश्चित रूप से श्रावण मास में सोमवार के दिन इस तरीके की पूजा पद्धति निश्चित रूप से हमारे राष्ट्र के लिए हितकारी होगी और हमारे प्रदेश के लिए हितकारी होगी। वैसे तो प्रतिवर्ष सावन माह की भस्म आरती में 2000 से अधिक भक्त शामिल होते हैं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते श्रद्धालु के शामिल होने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। आम श्रद्धालु केवल बाबा महाकाल के दूर से ही दर्शन कर सकेंगे। दर्शन के लिए सुबह 5:30 बजे से रात्रि के 9 बजे तक का समय तय किया गया है। इस दौरान केवल वही भक्त दर्शन कर सकेंगे जिन्होंने पूर्व में दर्शन के लिए बुकिंग करा रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबार न्यूज, उज्जैन।